देखो प्लांट, कोई कोई प्लांट्स का कुछ कुछ जो होता है तुम्हारा रिस्पांस होता है, यानी कि रिस्पांस को बेसिकली क्या बोलते हैं बायोलॉजी के टर्म में, स्टिमुली। तो जो भी रिस्पांस देगा अपने सेंसेस को या स्टिमुली की तरफ, ठीक है, रिस्पांस को बेसिकली अगर बोले, अगर तुमको कुछ सेंसेस हुआ तो तुम उसके बदले में रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है। जैसे ठंडा लगा या गर्म लगा, गर्म पतीले पे हाथ रख दिए तो रिस्पॉन्स करोगे। तो यहाँ पे जो स्टिमुली है वो तुमको ये दर्शा रहा है बेसिकली सेंस, क्या सेंस, कॉमन सेंस नहीं, क्या तुमको फील हो रहा है वो सेंस यहाँ पे स्टिमुली है। तो कोई कोई प्लांट्स है स्पेसिफिक स्पेसिफिक, एक अच्छा एक वो डायरेक्शन वाला नाम भूल रहे हैं, डायरेक्शन का क्या था, थिग्मो ही था ना सर डायरेक्शन वाला, हाँ थिग्मो था, ठीक है। तो किस किस के वजह से वो प्लांट जो है अपना स्टिमुली को रिस्पॉन्स देता है, वो ऐसा क्या क्या चीज है, तो उसके बारे में। जैसे अगर बोले जियोट्रॉपिज्म, ऐसा प्लांट जो रिस्पॉन्स करेगा ग्रेविटी की तरफ, उसको बोलते हैं क्या, वो प्लांट अगर ऐसा शो कर रहा है तो उस प्लांट को बोलेंगे कि वो जियोट्रॉपिज्म शो करता है, ठीक है, यानी कि वो ग्रेविटी के साथ काम करता है, क्लियर है। तो जियो मीन्स क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेविटी। अब अगर हाइड्रो बोले तो हाइड्रो सबको क्लियर है। अब वाटर कैसे, एक बार हो सकता है किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, क्या होता है कि जब ऐसा समझ लो कि अंडरग्राउंड है, ठीक है, इसका रूट्स वगैरह होता है और इधर से ही अंदर से अंडरग्राउंड वाटर कहीं से बह के फिर नदी तालाब में जाके मिल रहा है। तो इसका रूट्स देखोगे जब ग्रोथ हुआ ना, तो ये ग्रोथ होके ना पानी लेने के लिए इधर ही बढ़ जाता है अंडरग्राउंड, जो तुमको दिखेगा नहीं, जो तुमको दिखेगा नहीं क्योंकि ये जमीन के अंदर हो रहा है, लेकिन उसका रूट्स किस साइड ग्रो करेगा, जिधर वो पानी का नहर जा रहा है अंदर से, अंडरग्राउंड वाटर बह के नदी तालाब में जाके जहां मिल रहा है ना उसके तरफ वो बढ़ जाता है। तो जो इस तरह का मूवमेंट शो करे कि वो पानी की तरफ ही खुद ब खुद खींचा चले जाए, उसको हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं, क्लियर है। फोटोट्रॉपिज्म लाइट से रिलेटेड है, फोटो मीन्स लाइट से रिलेटेड है, क्लियर है। अब फोटो रहा, जैसे कि सनफ्लावर, सनफ्लावर जैसे कि अगर पता लगाना हो कि सूर्य भगवान किस साइड से उगते हैं हमेशा, तो जिधर सनफ्लावर खिलेगा वो जैसे जाता है वैसे वो हमेशा जिधर से सूर्य भगवान उगते हैं उधर ही सनफ्लावर उसी दिशा में होके उगता है, क्लियर है। तो इस तरह का शो करता है। बात रहा थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म क्या रहता है, जैसे कि एक पेड़ रहता है उसको ये वाले स्टिक से अगर ऐसे बांध देते हैं तो ये पेड़ फिर इसी पे ग्रोथ हो जाता है उसका, क्लियर है। जैसे कि तुम्हारा कौन कौन सा है, वो झींगा, कद्दू, कद्दू होता है ना, कद्दू भी ऊपर चढ़ जाता है ना, कद्दू, झींगा, नेनुआ, ठीक है, सब्जी। तो तुम क्या खाती है, ब्रोकली? अमीर लोगों का खाना भाई महंगा मिलता है, अच्छा तो लगता है लेकिन महंगा मिलता है। वो ऐसे कहते हैं कि जो जिम वगैरह करता है उसको ब्रोकली खाना चाहिए ठूस ठूस के। और मेरा जहाँ कॉलेज था ना, हम तो देखो हमारे यहाँ ये झारखंड में पत्ता गोभी जो खिलाया जाता है तो भूंज भांज के या फिर कुछ भी उसको थोड़ा सा एक बार जरूर कुछ ना कुछ किया जाता है फ्राइड वगैरह। जब हम नागपुर पहली बार गए थे अपना कॉलेज में पढ़ने, तो वहाँ जहाँ बैठ के नूडल ऑर्डर करते थे ना, वो लोग हम लोग के यहाँ पे नूडल्स के ऊपर में प्याज डाल के देता है, वो लोग भर के पत्ता गोभी डाल के देता है ऐसे कच्चा खाओ। हाँ मतलब हम खाए नहीं थे तो पहली बार हमको ऐसा फील हुआ कि हम बकरी हैं तो ऐसा ही लग रहा था। हाँ उस पर मसाला वसाला डाल के देता है तो ठीक लगता है, छोड़ दिए जानवर तो वैसे भी छोड़ने के बाद भी, क्योंकि एनिमल्स में आते हैं ना। चलिए थिग्मोट्रॉपिज्म समझ में आ गया, डायरेक्शनल सपोर्ट दिया जाएगा। अच्छा थर्मो, जहां भी वर्ड थर्म आएगा, थर्म का मतलब होता है साइंस में हीट या टेम्परेचर से रिलेटेड, ठीक है। थर्मोमीटर टेम्परेचर नापने के कारण, थर्मल एनर्जी कैसे भी हीट प्रोड्यूस होके, ठीक है। तो थर्मल थर्मल थर्मोट्रॉपिज्म किससे रिलेटेड होगा, हीट बोल लो या टेम्परेचर बोल लो, क्लियर है, क्लियर है। हाँ केमो भी है, केमोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म क्या होता है, केमो फॉर केमिकल्स, केमो फॉर केमिकल्स, क्लियर है। केमिकल्स में क्या क्या, जैसे कि कोई प्लांट,
हाँ, जैसे कि जो तुम्हारा पोलन वाला जो होता है, पोलन ट्यूब बनता है, तो पोलन ट्यूब आखिरी कहाँ जाता है? ओवेरी के अंदर कहाँ जाता है? ओव्यूल में जाता है। तो वहां वो जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर है और वो जो तुम्हारा फिलामेंट बनता है, वो अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा ना, तो किसमें? स्टैमेन में ही था ना। हाँ, तो जनरेट कब होगा? जनरेट कब होता है? केमिकल रिएक्शन से। फिलामेंट यूं ही जनरेट नहीं होता है। फिलामेंट कब जनरेट होगा? केमिकल रिएक्शन से। उसके बाद तुम्हारा ऊपर में एंथर बनेगा। एंथर जब पक जाएगा तो वो स्टिग्मा पे गिरेगा। अब स्टिग्मा पे एक बार गिर गया तो फिर स्टिग्मा जनरेट करेगा नीचे तुम्हारा स्टाइल। फिर जा करके उसका ओवेरी में जा मतलब ओव्यूल में जाता है और फर्टिलाइजेशन होता है, राइट? तो वो केमिकल रिएक्शन के बिना नहीं बनेगा वो, क्योंकि देखो प्रोसेस हम जो अब तुम पूछ रहे हो कैसा हो सकता है। अब ह्यूमन ह्यूमन में देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ना, फीमेल का होता है ना, तो वो जो ब्लड का नस बनता है, ब्लड वेसल्स बहुत सारा बनता है बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बनता है और टूटता है हर एक महीना होता है ना। तो वैसे ही प्लांट्स में भी होता है, जब वो एक्सपेक्ट करता है कि अब हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, तब वो तुम्हारा स्टाइल और तुम्हारा फिलामेंट दोनों केमिकल रिएक्शन से जनरेट होता है। उधर तो खून का ब्लड वेसल्स नहीं हो सकता है, तो उधर केमिकल रिएक्शन काम करता है, राइट? ठीक है, चलो। देखो एक सजेशन, जब भी रिलेशनशिप 2 साल से ऊपर ना हो ना, कभी भी सीरियस लेके मत चलना, ठीक है? मजाक नहीं कर रहे, पॉइंट बता रहे। देखो अभी तुम लोग बच्चे हो और हम लोग मर्द बन चुके हैं, कैसे बता रहे हैं? इंसान सिर्फ मर्द जो है एक ही तरीके से नहीं बनता जो तुम लोग सोच रहे हो। जब बहुत बार कटता है और दुख लेते लेते इंसान एक ऐसा हो जाता है कि वो लड़का हर चीजों पे रोना बंद कर देता है और उसको झेलने का क्षमता आ जाता है, तब वो असली में क्या बन जाता है? मर्द बनता है, ठीक है? कि हर एक छोटी मोटी बातों को दरकिनार करके, अब जब कभी अपने पापा मम्मी को सुने हो, आज मूड नहीं है मेरा, मूड खराब हो गया, लड़ाई हो गया, आज काम पे नहीं जाएंगे, आज पैसा कमा के नहीं लाएंगे, कभी ऐसा सुने हो पापा ऐसा बात बोलते हैं? आज मूड खराब हो गया, झगड़ा, नहीं जाएंगे आज कमाने। नहीं, लाइफ में कुछ भी चले, लाइफ में कुछ भी, तो ये बहुत ये ना कटने के बाद ही आएगा, इसका और कोई सॉल्यूशन है नहीं। प्लांट का सेल, प्लांट सेल बोल रहे हैं, प्लांट का हार्मोन की बात कर रहे हैं। प्लांट हार्मोन जो है कौन डिस्कवर किया था? प्लांट हार्मोन कौन डिस्कवर किया था? कौन डेवलप किया था, मतलब डिस्कवर किया था प्लांट का हार्मोन? ठीक, होमवर्क है, सर्च करके लाना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलो ऑक्सीन देखो, ऑक्सीन क्या करता है? सुनिएगा सुनिएगा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीन जो है, ऑक्सीन को बोला जाता है कि वो ग्रोथ ऑफ प्लांट में करता है। ग्रोथ ऑफ प्लांट करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन इसके मदद से ये नहीं रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। इसीलिए मेन ग्रोथ हार्मोन ये है प्लांट का, ये नहीं होता है, बता दे रहे हैं। ये प्रमोट करता है, मदद करता है, लेकिन मेन नहीं है, ठीक है? ग्रोथ हार्मोन ये है, क्लियर है? यही है ग्रोथ हार्मोन। क्या? गिबरलिन, गिबरलिन। चलिए अब ये सिक्रेटेड बाय सेल्स प्रेजेंट इन टिप ऑफ स्टेम्स और रूट्स, क्लियर है? बात रहा गिबरलिन का, जैसे हम आपको ह्यूमन बॉडी का पढ़ा रहे थे हार्मोन्स के बारे में, तो जो ह्यूमन बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करता था बताइए? राइट, तो समझिए कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड वाला ही ग्रोथ हार्मोन है, ये मेन है जो ग्रोथ करने में मदद करता है। ये सीड को मैच्योर करता है, उसको टूटने में और टूट के फ्लावर बनने में या फर्दर प्लांट बनने में मदद करेगा, यही करेगा। और ये इलांगेशन ऑफ सूट्स भी प्रोवाइड करता है, तनों को लंबाई देता है। उसके अलावा सेल डिफरेंशिएशन करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन इसके साथ आके जुड़ता है तब ऑक्सीजन काम करता है, अगर क्या बोलते हैं कि ये नहीं रहता तो ऑक्सीजन साथ ही कहां ढूंढता, बात समझ रहे हैं ना? इसीलिए अगर हाँ ऑक्सीजन, इन दोनों में मेन कौन है? ये सर, सर,
नहीं, चार्ल्स डार्विन जो है आपका ये डिस्कवर किए हैं, ये डिस्कवर किए हैं, ये ग्रोथ हार्मोन, पूरा हार्मोन सिस्टम दूसरा आदमी डिस्कवर किया है। साइटोकिनिन, साइटो का ग्रीक में क्या मतलब होता है, सेल, और किनिन का मतलब होता है डिवीजन। क्लियर है? यानी कि जो सेल डिवीजन है ये प्लांट्स में करवाता है कौन सा हार्मोन, कौन सा हार्मोन करवाता है? हाँ, बेली सही तो है। चलो देखो, एडिशन बल्ब किया था भाई। फादर ऑफ हार्मोन्स अलग होता है, फादर ऑफ हार्मोन्स अलग होता है, डिस्कवरर अलग होता है। ठीक है, ऐसे तो फिजिक्स में बहुत सारा साइंटिस्ट है, लेकिन फादर तो तीनों को मानते हैं ना भाई। हाँ, सबको अब हेजनबर्ग, बोर, नील, सबको नहीं ना देने लगे हम किताब, राइट? तो फादर अलग चीज हो जाता है, फादर मतलब वो सबसे बेस्ट काम किया। ठीक है, हाँ, जैसे कि पूरा साइंटिस्ट फैमिली में इकलौता ऐसा परिवार है जो सबको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, क्यूरी परिवार, मैडम क्यूरी, उसकी बेटी को भी मिला नोबेल प्राइज, उसको भी मिला है, उसका हस्बैंड को मिला, और मैडम क्यूरी तो इकलौती महिला है जो दो बार नोबेल प्राइज लिया, वो भी फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। चलिए, साइटोकिनिन जो हार्मोन है ये क्या करवाता है, सेल डिवीजन करवाता है इन प्लांट्स में। ये जो पत्ते जो आपके जल्दी जल्दी ओल्ड होने लगते हैं, पुराने लगते हैं, उनको डिले करवाता है, और साथ में ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा में हेल्प करता है। क्लियर है? अच्छा, प्लांट हार्मोन्स में आपका एकमात्र ऐसा हार्मोन्स होता है जो कि गैस के फॉर्म में, बताइए कौन सा हार्मोन है? राइट, एकमात्र हार्मोन जो कि गैसियस फॉर्म में प्लांट्स में पाया जाता है वो है इथिलीन। अब इसका फंक्शन क्या होता है इथिलीन का? प्रमोट करता है फ्रूट, क्या फ्रूट? राइट, पकने में, फ्रूट का जो कभी सुना है ना एसिटिलीन, इथिलीन का फैमिली का ही एसिटिलीन, एसिटिलीन या कार्बाइड डाल के नकली मतलब जल्दी फलों को पका दिया जाता है। तो यानी कि जो इथिलीन है, जो गैसियस हार्मोन है, वो एकमात्र ऐसा गैसियस हार्मोन है, प्लांट नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, वो पेड़ के फलों को पकने में मदद करता है। ठीक है, ये एब्सिसिक एसिड जो है ABS को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं कि ग्रोथ इनहिबिटर, यानी कि ग्रोथ को तो रोकता ही रोकता है, और साथ में जो तुम्हारा लीव्स और जो फ्रूट्स है उसको आसानी से झड़ने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, चलिए, एब्सिसिक एसिड समझ में आया? पता नहीं, और पूरा क्लास और जो जितना हो कॉमन टेस्ट होगा, और इन लोग का जो फ्रूट और जो भी लीव्स है उसको सेपरेशन करने में मदद करता है। ठीक है, क्लियर है? उसके साथ साथ क्या करेगा, स्टोमाटा ओपनिंग और क्लोजिंग में मदद करता है। अच्छा, ओपनिंग में भी करेगा, क्लोजिंग में करता होगा, क्या हो जाता होगा पानी से क्या हो जाता होगा? अरे तो उसके लिए भी कुछ चाहिए ना, उतना क्या लिखना है? अब लिखना तो तुम्हारे हाथ से हो जाता है, अब नर्वस सिस्टम ही नहीं काम करेगा तो कोई मतलब हुआ बात का? वो नर्वस सिस्टम कभी नहीं बोलेगा, ब्रेन बोलेगा क्या लिखना है, ब्रेन नर्वस सिस्टम को बोलेगा कि ये लिख दे। तो देखो, दो दो चीज कंस्टिट्यूट हो गया। हाँ, तुम लेना बाद में, हम तुमको बताएंगे साइट अच्छा वाला। ठीक है, हम अभी एक लिए 4,500 का, बढ़िया है, अभी पहने नहीं है अभी तक, एक बार भी एडी का लिए हैं। हाँ, पुमा पहन पहन के बोर हो गया था तो मैं एडी लिए हैं, स्नीकर, और क्या लेगा? हाँ, वो
वेज और नॉट वेज और नॉट पता नहीं भाई कौन सा आइटम है। चलिए देखिए एब्सिसिक एसिड हो गया, क्लियर है। चलिए यहां से हमारा क्या खत्म होता है, ये चैप्टर, ठीक है, बाय।